हे एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंटी एलाइजिंग के बारे में कि क्या होता है एंटी एलियसिंग और हम इसे कैसे यूज करते हैं ग्राफिक्स को ज्यादा स्मूथ बनाने में, बात करेंगे इस वीडियो में। तो जब आजकल हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं, काफी हैवी रियलिस्टिक गेम खेलते हैं, तो उनके ग्राफिक काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं आजकल, वो बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। जैसे GTA 5 देख लीजिए आप, कॉल ऑफ ड्यूटी की नई सीरीज, टोम राइडर, डूम, ऐसे और भी काफी नए गेम हैं और आगे भी जो गेमिंग सर्च इंजन होते हैं वो काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं कि कैसे गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जाए। पर अगर हम याद करें उन दिनों को जिनमें हम मारियो खेलते थे या फिर कॉन्ट्रा खेलते थे, वैसे छोटे छोटे गेम, तो उन गेम के ग्राफिक कुछ भी नहीं थे अगर कंपेयर करें आज की जनरेशन के। और आपको याद होगा कि उन गेम्स में जब हम खेलते थे तो छोटे छोटे बॉक्स भी हमें दिखते थे और जिनकी वजह से उनके ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा कम हो जाते थे। तो उन्हीं के लिए एंटी एलियसिंग यानी AA इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। अगर सिंपल वे में बात करें तो AA यानी एंटी एलियसिंग करती क्या है, जो मैंने बताया कि हम वो क्यूब्स देखते थे, वो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स देखते थे, एंटी एलाइजिंग उनको थोड़ा सा स्मूथ कर देती है, यानी हमें उनके इतने ज्यादा कॉर्नर नजर नहीं आते। और जब वो पूरी स्क्रीन पर ऐसे ऐसे उन कॉर्नर्स को स्मूथ कर देती है, ग्राफिक्स को थोड़ा स्मूथ कर देती है, तो वो हमें अच्छे ग्राफिक दिखते हैं। अब अगर बात करें वो स्क्वायर आते कहां से थे, वो बॉक्स आते कहां से थे, तो जैसा हमें पता है कि जो हम अपने कंप्यूटर के मॉनिटर यानी उस स्क्रीन पर चीजें देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, वो सब कुछ पिक्सल्स का बना हुआ होता है। पिक्सल एक इतनी छोटी सी स्क्वायर शेप की एक यूनिट होती है जिसको जोड़ते चले जाते हैं और उसके बाद आपकी इमेज डिस्प्ले होती है आपके मॉनिटर पर। अगर मान लीजिए अब मैं एक सीधी लाइन बनाता हूं, तो मैंने बताया पिक्सल स्क्वायर शेप के होते हैं, वो पिक्सल एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और अगर हम उस लाइन को दूर से देखेंगे तो बिल्कुल फिट दिखेगी, परफेक्ट, फर्स्ट क्लास दिखेगी। पर अगर मैं इसी लाइन को डायगोनल वे में खींचूं तो वो सीधी की बजाय कुछ ऐसी दिखेगी। ऐसे में ये शार्प कॉर्नर्स है ना, ये शार्प कॉर्नर्स यही जिम्मेदार होते थे कि पुराने जनरेशन के गेम काफी बेकार दिखते थे, थोड़े ग्राफिक वाइज अच्छे नहीं रहते थे इन्हीं शार्प कॉर्नर की वजह से। और AA यानी एंटी अलाइजिंग को इसीलिए लॉन्च किया गया कि वो इन शार्प कॉर्नर्स को थोड़ा कर्व कर सके, थोड़ा राउंड कर सके, जिससे ग्राफिक काफी ज्यादा अच्छे लगे। इन्हीं शार्प कॉर्नर की वजह से गेम अच्छे नहीं दिखते। अब बात करते हैं AA यानी एंटी अलाइजिंग काम कैसे करता है। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक लाइन को डायगोनली खींचते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ऐसे में ये एंटी अलाइजिंग क्या करेगी, ये देखेगी कि कहाँ कहाँ गैप है। जैसे ये देखेगी, ठीक है यहाँ गैप है, ये भी एक गैप है, यहाँ गैप है, ये गैप है, जिसकी वजह से ये इमेज कुछ ठीक ठाक नहीं दिख पा रही। अब वो अपने आसपास की इमेज को देखेगी कि यहाँ की इमेज कैसी है, थोड़ी सी वहां की इमेज कैसी है, और कॉम्बिनेशन बैठाकर एक पिक्सल वहां फिट कर देगी। ऐसे ही वो पिक्सल फिट करती जाएगी और एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच देगी। और अगर वो ऐसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर चीजों को सही करती जाती है और अगर आप उस टोटल प्योर परफेक्ट इमेज को देखते हैं तो आपको अच्छे ग्राफिक्स दिखते हैं। तो ये होता है एंटी एलियसिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।